हेलो फ्रेंड्स, हमने अपने प्रीवियस टॉपिक में देखा था कि सीएसएस क्या है और किस तरीके से यूज करते हैं। आज हम देखेंगे कि सीएसएस के कौन कौन से टाइप हैं और किसको हम किस तरीके से यूज करेंगे। अब देखते हैं कि सीएसएस में किस तरीके से सिलेक्टर का यूज करते हैं, किस तरीके से हम प्रॉपर्टी प्रोवाइड करते हैं, तो वो हम देते हैं। तो अब HTML में CSS मतलब के स्टाइल शीट लिखने के तीन वे हैं। एक तो इनलाइन स्टाइल है, एक इंटरनल स्टाइल है और दूसरा है एक्सटर्नल स्टाइल। तीनों के तीनों में हम CSS तो सेम ही वे पे लिखते हैं, मगर उसकी डिस्प्ले करवाने की मेथड मतलब कि उसकी लिखने की और उसकी इम्पोर्ट करवाने की मेथड अलग रहती है। अब हम बात करें इनलाइन स्टाइल, तो इनलाइन स्टाइल क्या, हम नॉर्मल इंग्लिश है कि इनलाइन मतलब के हम जो भी लाइन लिखते हैं उसके अंदर। अब आता है इंटरनल स्टाइल शीट, तो इंटरनल स्टाइल शीट मतलब क्या कि अगर जो हम कोई एक पेज बनाया, उस पेज के अंदर में हमने हेडर में स्टाइल डिफाइन करके हमको जो भी जिस एलिमेंट की और जिस सिलेक्टर की स्टाइल हमको प्रोवाइड करनी है वो वही पेज में स्टाइल लिख दिया, तो उसको हम कहते हैं इंटरनल स्टाइल शीट। और तीसरा है एक्सटर्नल स्टाइल शीट, मतलब क्या कि हमने कोई एक CSS के लिए अलग से एक फाइल बनाई और उस फाइल को हमने अपने HTML फाइल में इंक्लूड करवाया, तो वो रहा एक्सटर्नल स्टाइल शीट। तो अब हम देखते हैं एग्जांपल के इनलाइन स्टाइल, इंटरनल स्टाइल और एक्सटर्नल स्टाइल क्या है। तो अब ये हमारा बेसिक HTML है। अब उस HTML में हमको स्टाइल शीट का डिफाइन करना है, मतलब कि पहले हम देखते हैं इनलाइन स्टाइल शीट। तो अब यहाँ पे अलग अलग पार्ट बनाए हुए हैं, जैसे कि हेडर सेक्शन, सेक्शन के अंदर में हेडर पैराग्राफ फुटर वो सब दिया हुआ है। तो अब यहाँ पे इनलाइन स्टाइल शीट मतलब क्या कि अब यहाँ पे सपोज मुझे हेडर को बैकग्राउंड पास करवाना है, तो मैं यहाँ पे स्टाइल डिफाइन करूंगा और उसके अंदर में मैं अपना कोई भी स्टाइल लिखता हूं, जैसे कि मुझे कलर चाहिए रेड कलर का और यहाँ पे कॉलन से हमने बंद किया। अब मैं इसको सेव करता हूँ और ब्राउजर में जाके देखता हूँ, तो यहाँ पे हेडर का कलर रेड हो गया। तो ये था हमारा इनलाइन स्टाइल शीट। अब आता है इंटरनल स्टाइल, मतलब के हमको कोई अलग तरीके से, मतलब के हमको हेडर में एक स्टाइल डिफाइन करना पड़ता है। तो यहाँ पे हमको स्टाइल शीट देनी है, तो ब्राउजर को हमको बताना है कि ये पार्ट हमारा स्टाइल का है, तो यहाँ पे लिखेंगे स्टाइल और यहाँ पे स्टाइल को हम बंद करेंगे। तो मतलब कि ये ब्राउजर को पता चल गया कि इस इन दोनों टैग के अंदर में हमने जो भी लिखा है वो सब स्टाइल के अंदर में आ रहा है, मतलब कि ये सब स्टाइल के लिए दिया हुआ है। तो अब सपोज हमें यहाँ पे सेक्शन को बैकग्राउंड पास करना है, तो हम यहाँ पे एक सिलेक्टर लेंगे, मतलब कि HTML का एक एलिमेंट लेंगे। तो यहाँ पे सपोज सेक्शन है, तो सेक्शन एक सिलेक्टर हुआ, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सेक्शन कर्ली ब्रैकेट में हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे बैकग्राउंड, इसको हम देते हैं ब्लू। अब इसको सेव करेंगे और ब्राउजर में जाके देखेंगे, तो हमारा यहाँ पे सेक्शन का बैकग्राउंड ब्लू हो जाना चाहिए। तो ये रहा हमारा सेक्शन का बैकग्राउंड ब्लू। तो ये है, पहले हमने देखा इनलाइन स्टाइल शीट, फिर हमने देखा इंटरनल स्टाइल शीट, अब हम देखते हैं एक्सटर्नल स्टाइल शीट। मतलब एक्सटर्नल स्टाइल शीट मतलब के हमको अपनी तरीके से एक अलग से CSS की फाइल बनानी पड़ेगी, जिसको हम .css एक्सटेंशन से सेव करेंगे, उसमें हम हमारा CSS कोड लिखेंगे। तो पहले हम एक नई CSS फाइल क्रिएट करेंगे। तो अब हमने यहाँ पे एक स्टाइल शीट क्रिएट कर दी है style.css के नाम से। आप अपनी तरीके से जो भी नाम रखना चाहो रख सकते हो, मगर एक बात ध्यान रहे कि इसका एक्सटेंशन पीछे .css के नाम से ही सेव करना पड़ेगा, वरना ये स्टाइल शीट को कंसीडर नहीं करेगा। अब हमने ये अलग से एक फाइल तो बना ली, तो अब उस फाइल को हम कहाँ पे डिस्प्ले करवाएंगे कि उस फाइल को हम किस तरीके से इंपोर्ट करवाएंगे। तो हमने यहाँ पे HTML में हेडर टैग के अंदर में लिंक href करके हमने एक लाइन क्रिएट करनी पड़ती है, उसमें हम हमारी फाइल का नाम दे देते हैं। तो हमारी CSS का नाम है
style.css और उसके बाद हम रिलेशन क्रिएट करते हैं कि ये जो फाइल हमने इंक्लूड करवाई उस फाइल का और ये जो करंट HTML डॉक्यूमेंट है उन दोनों के बीच के रिलेशन क्या है। तो यहाँ पे हम बताएंगे कि ये जो लाइन हमने इंक्लूड की है उसका रिलेशन है स्टाइल शीट, मतलब कि ये जो HTML डॉक्यूमेंट है उसकी स्टाइल ये वाली फाइल में है। तो यहाँ पे ब्राउजर ऑटोमेटिकली वो फाइल अपनी तरीके से ढूंढेगा और उसके बाद उसमें जो स्टाइल शीट है ये मतलब कि उसके अंदर में जो हमने स्टाइल लिखी है वो स्टाइल यहाँ पे कंसीडर कर लेगा वो। तो अब हम इसको सेव करते हैं, अब हमारा ये फाइल सेव हो गई। अब हम यहाँ पे लिखते हैं कि हमको किसका स्टाइल क्रिएट करना है। तो अब हम यहाँ पे जो सेक्शन के अंदर में हेडर है, पी है और फुटर है, उन सबके हमको फॉन्ट वाइट क्रिएट करने हैं, मतलब कि उन सबके फॉन्ट हमको व्हाइट दिखाने हैं, क्योंकि हमने सेक्शन का बैकग्राउंड ब्लू दिया तो ब्लू में ब्लैक प्रॉपर दिखता नहीं है। तो अब यहाँ पे हम इसके सेक्शन के अंदर में जो भी एलिमेंट मतलब के जो भी कंटेंट आता है उस कंटेंट को हम व्हाइट कलर में डिस्प्ले करवाएंगे। हाँ, तो अब हमको सेक्शन को अंदर में कंटेंट आ रहा है उसकी फॉन्ट साइज फॉन्ट कलर व्हाइट करना है। तो हम यहाँ पे इसको डिफाइन करेंगे सेक्शन, और सेक्शन के अंदर में जो भी कलर आता है मतलब कि जो भी टेक्स्ट आता है उसका हमको कलर व्हाइट करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कलर और इसको लिखेंगे यहाँ पे व्हाइट। तो यहाँ पे पूरा सेक्शन का कलर व्हाइट हो गया होगा। अब इसको रिफ्रेश करते हैं तो सेक्शन के अंदर में जो भी टेक्स्ट आया उन सबके कलर यहाँ पे व्हाइट हो गए। सेम उसी तरीके से आपने यहाँ पे सेक्शन लिया तो सेक्शन की जगह पे आप अपनी तरीके से कोई क्लास या आईडी भी लेके कर सकते हो। जैसे कि यहाँ के हेडर के अंदर में हमने सेक्शन हेडर लिया है, तो अब सेक्शन हेडर को हमको दूसरा कलर देते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डॉट सेक्शन हेडर, मतलब कि यहाँ पे डॉट का मतलब क्या कि CSS को यहाँ पे पता चलता है कि ये जो सेक्शन हेडर है वो कोई डिविजन का क्लास है या कोई एलिमेंट का क्लास है। तो इस जो सेक्शन हेडर नाम के जितने भी एलिमेंट होंगे और उसका क्लास जो सेक्शन हेडर होगा उन सबको ये प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कलर पिंक, तो यहाँ पे सेक्शन हेडर वाले जितने भी क्लास मिलेंगे वो वहां पे पिंक कलर अप्लाई कर देगा। तो अब हम ब्राउजर को रिफ्रेश करेंगे तो ये हेडर तुम्हारा पिंक कलर का हो गया। अब सपोज के मुझे दूसरे भी कलर पिंक चाहिए तो मैं नॉर्मली HTML में जाके अगर जो मुझे P में भी पिंक कलर चाहिए तो मैं ये सेक्शन हेडर कॉपी कर लूँगा और यहाँ पे P को मैं सेक्शन हेडर नाम का क्लास डिफाइन कर दूँगा। अब इसको सेव करके मैं ब्राउजर में देखूंगा तो यहाँ पे पैराग्राफ का कलर भी पिंक हो जाएगा। तो ये अब पूरे वेब पेज में आप सेक्शन हेडर नाम का कोई भी क्लास यूज करोगे कहीं पे भी वो सब जगह पे उसका फॉन्ट का कलर पिंक हो जाएगा। सेम उसी तरीके से हमने क्लास लिया तो हम आईडी को भी इसी तरीके से कलर या कोई भी CSS प्रॉपर्टी डिफाइन कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे कोई आईडी के बेस पे करते हैं तो फुटर को यहाँ पे आईडी दिया हुआ है सेक्शन फुटर। तो अब यहाँ पे आईडी को डिफाइन करने के लिए हम यहाँ पे हैश का यूज करेंगे और यहाँ पे सेक्शन फुटर नाम का आईडी यहाँ पे डिफाइन कर देंगे, मतलब कि CSS को पता चल गया कि ये जो सेक्शन फुटर है वो एक आईडी है, मतलब कि पूरे पेज में सेक्शन फुटर नाम का कोई भी आईडी मिलेगा तो वहां पे ये प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी। तो मैं इसको बैकग्राउंड दे देता हूँ ब्लैक, तो फुटर का सेक्शन फुटर नाम का जो भी आईडी मिलेगा वहां पे बैकग्राउंड ब्लैक हो जाएगा। अब हम ब्राउजर को रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे सिंपली फुटर का बैकग्राउंड ब्लैक हो गया। तो ये था एक्सटर्नल स्टाइल शीट और किस तरीके से स्टाइल डिफाइन करनी है, किस तरीके से एलिमेंट डिफाइन करना है उसका भी बेसिक इंफॉर्मेशन आ गया। तो पहले हमने देखा कि CSS क्या है, उसके कितने वर्जन है और CSS 3 क्या है, उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज आती हैं, क्यों यूज करते हैं। फिर आया हमारा इनलाइन स्टाइल क्या है, फिर हमने देखा इंटरनल स्टाइल क्या है और फिर हमने देखा एक्सटर्नल स्टाइल क्या है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा कि CSS में सिलेक्टर एट्रीब्यूट क्या है और किस तरीके से काम करते हैं।